दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ DIY बनाए हैं, मैंने जो ऐसे कुछ DIY बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अपने पौधों के लिए नए नए और महंगे प्लांटर्स ही खरीदें। हम अपने घरों में ही सुंदर सुंदर और आकर्षक प्लांटर्स बना सकते हैं। दोस्तों, अपने घरों में जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं, हम उनसे ही सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स रहती हैं, कंटेनर्स रहते हैं, ऑयल कैंस रहती है प्लास्टिक की, और टूटे हुए मग, जग, कप्स, सिरेमिक के कप्स रहते हैं, उसमें भी हम अच्छे से डेकोरेटिव बनाकर उसमें अपना प्लांट्स बना लगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने कुछ घर में जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह रहती है उसमें ही कुछ ये DIY बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये देखो, ये प्लास्टिक की बॉटल पर मैंने नियॉन कलर में ब्लैक कॉम्बिनेशन देके लोटस बनाया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए, आप भी ऐसे घर में कुछ ऐसे क्रिएटिव बना सकते हैं और उसमें अपने सकुलेंट्स लगा सकते हैं। स्पेशली ये छोटे प्लांटर्स मैंने सकुलेंट्स के लिए बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। वैसे भी मुझे नियॉन कलर बहुत अच्छा लगता है, नियॉन विद ब्लैक कॉम्बिनेशन। देखिए ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें मैं अपना सकुलेंट लगाऊंगी। ये रेड कलर का प्लांटर बना, स्माइली बनाया है, और एक खरगोश बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी क्रिएटिविटी कैसे लग रही है। ये एक ऑयल कैन है, उस पर मैंने दो फ्लावर्स बनाए हैं, उस पर डिज़ाइन बनाई है, और ये एक कैट बनाई है ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया है वाइट पर। आपको कैसे लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और ये ऐसे कैस्केटिंग टाइप की मैंने ये बनाई है डिज़ाइन मल्टी कलर्स में बॉटल पर। वो कैसे लग रही है ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से लोटस कैसे लग रहा है नियॉन कलर का। सिंगल हाथ से बना रही हूँ इसलिए थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है बनाने में। आप देखिए कैसे लग रहा है आपको। और फ्रेंड्स, ये लॉर्ड गणेश जी बनाए हैं। एक्चुअली ये DIY में कुछ इसमें से कुछ DIY मैंने पहले बनाए हुए थे, लेकिन फ्रेंड्स मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने उसको एक फिनिशिंग दी है, देने की कोशिश की है। देखिए फ्रेंड्स, ये लॉर्ड गणेश जी आपको कैसे लग रहा है मेरा रेड और वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। आप भी ऐसे घर में जो प्लास्टिक ऑयल कैंस रहती है उसमें आप ये बना सकते हो। एक्चुअली फ्रेंड, ये जो लॉर्ड गणेश जी का जो प्लांटर है, मेरे हाथ से दो तीन बार गिर गया था तो थोड़ा डैमेज हो गया था, फिर मैंने उसको रीपेंट किया, फिनिशिंग देने की कोशिश की है। आप बताइए कैसे लग रहा है आपको। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी क्रिएटिव, इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं कब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, बाय, थैंक यू।